अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां मऊगंज थाना क्षेत्र के भाटी जंगल में मिले कंकाल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए हत्या का मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में मृतक की पत्नी विटोल पाल उर्फ रंजना, पति राम सुशील पाल, गुलाब पाल पिता मोहन पाल, अंजनी पाल पिता मोहन पाल, रामपति पाल पिता रमई पाल, गुड्डू पाल और सूरज पाल हैं। आरोपियों में से गुड्डू पाल और सूरज पाल फरार बताए जाते हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि निबीहा गांव में कंकाल पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कार्रवाई की तो उसकी पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी के भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया तो अंधी हत्या का खुलासा हो गया। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि देवर के प्रेम प्रसंग में फंसकर खुद पत्नी ने हत्या की साजिश रची और गला रेत कर सबको भूसे में दबा दिया था। आइए आपको सीधे ले चलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम, जहां उक्त मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दिनांक 25 अक्टूबर को एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है झाड़ियों में, और उसके पश्चात हमारी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर न सिर्फ उस शव की पहचान की अपितु उस हत्या में शामिल पूरी घटना को ट्रेस किया। मृतक की पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई है। लगभग 42-43 वर्ष उनकी उम्र है और ये घटना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की है। इसमें एग्जैक्ट अभी डेट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसमें जो मृतक है उनकी दूसरी पत्नी जो उनके साथ रहती थी, वो साथ ही साथ उनके 2 छोटे भाई आरोपी हैं। इसके साथ साथ मृतक के शव को छुपाने में अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई, जो कि उनके परिवार के मेंबर थे। अभी हम लोगों ने 6 में से 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। 2 आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो हत्या हुई है वो समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। और उसमें जो मुख्य कारण अभी तक की पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये आया है कि जो मृतक की पत्नी है उनका मृतक के छोटे भाई से भी संबंध था और इन्होंने सबने मिलकर जमीन हड़पने की नियत से मृतक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मृतक का पूर्व में भी अपने भाइयों से और चाचा के लड़कों से विवाद विभिन्न कारणों से हुआ था, जिस कारण एक पारिवारिक तनाव की स्थिति उनके यहाँ लगातार बनी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने इसी कारण को बताया है और हम लोग भी अन्य माध्यमों से इसको भी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। प्रकरण की विवेचना भी प्रारंभ हुई है और इसमें FSL टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया है और मेडिकल कॉलेज में इनका PM कराया गया है। 1.5 वर्ष पुराना ये सब था, भूसे में इसको छुपाकर रखा गया था। एक बहुत सुनसान एरिया में एक कमरा है वहां पर, और मुख्य घटनास्थल से इनको घटना के पश्चात पोटली में रखकर वहां छुपाने के लिए पूरे जो आरोपीगण हैं इन्होंने आपस में सहयोग करके इस घटना में एक दूसरे का साथ दिया। अभी विवेचना प्रारंभ हुई है, इसमें आगे जो भी और फैक्ट्स आएंगे, अन्य आरोपी जो पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ में जो जानकारी सामने आएगी हम आप लोगों को वो भी सामने लेकर आएंगे। कंकाल जो बरामद हुआ है वो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए, वहां पर एक सुनसान एरिया है जहाँ तालाब के पास में एक जगह है, पेड़ के नीचे से हमको बरामद हुआ और उसको भी लगभग 2-3 दिन पहले ही कमरे से बाहर निकाल के रखने की जानकारी हमको मिली है मृतक के चाचा जी के द्वारा। उसके पश्चात जो सूचना हमको मिली तो हमने उसको पूरा ट्रेस किया तो जो घर था वो संदेह के दायरे में आया, फिर हम लोगों ने उसको आगे डेवलप किया हमारी FSL टीम ने। पर इस मामले में क्या 2 दिन में इतना डेवलपमेंट किया है टीम ने कि अज्ञात शव को पूरा ट्रेस करके ना सिर्फ पूरा घटनाक्रम खोला है और बहुत अच्छा काम किया है पूरी टीम ने 2 दिन लग के। तो एडिशनल SP मऊगंज विवेक लाल और SDP मऊगंज नवीन दुबे की टीम ने TI मऊगंज के साथ मिलकर बहुत अच्छा उन्होंने 2 दिन के अंदर इसको ट्रेस किया है। सर जो 2 लोग करा रहे हैं वो मृतक के कौन? वो उनके चाचा के 2 लड़के हैं।
नहीं, विशेष बात यही है कि इन लोगों ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज इसलिए नहीं कराई कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रेस होने का गुंजाइश रहेगी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं घटना कारित करने को पुलिस ट्रेस कर लेगी। उन्होंने क्षेत्र में ये बताया कि ये व्यक्ति खाने कमाने अपनी रोजगार हेतु, आजीविका हेतु बाहर चला गया है, इसलिए व्यक्ति काफी दिनों से यहाँ पर नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी ये व्यक्ति एक बार 3-4 महीने के लिए जा चुका है, एक बार 15 दिन के लिए चला गया था, तो आम जनमानस को जो गांव के अन्य लोग हैं उनको लगा कि इसकी प्रवृत्ति है बाहर जाने की, तो इसलिए उन लोगों ने भी ज्यादा शंका नहीं की। सर, इस मामले में और भी आरोपी, दो आरोपी और हैं जो अभी जिनकी जानकारी मिली है वो बाहर है, वो भी अपनी आजीविका के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके लिए हमारी टीमें अभी प्रयास कर रही है, अतिशीघ्र हम लोग उनको भी राउंड अप करेंगे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए, समदड़िया आभूषण, समदड़िया।